नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। कवर्धा घर में घुसकर डरा धमकाकर महिला से जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले आरोपी को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने पहुंचाया सलाखों के भीतर। कबीरधाम जिले के थाना सिटी कोतवाली में प्रार्थी द्वारा थाना आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 25/11/2023 को मेरे पति घर में नहीं थे। रात्रि में मेरे पास सास ससुर अपने कमरे में खाना खाकर सोने चले गए थे। तभी रात्रि में लगभग 10:30 पर संदीप कौशिक पिता राजेश कौशिक हमारे घर की छत से कूदकर मेरे कमरे में घुस गया तथा छेड़छाड़ी जबरदस्ती और मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। ऐसा कहकर महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी सिटी कोतवाली कवर्धा द्वारा उक्त घटना की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को दी गई, जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौड़ तथा उप पुलिस अधीक्षक श्री संजय तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली द्वारा टीम गठित कर प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को पता तलाश हेतु पुलिस टीम रवाना किया गया। दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रार्थिया एवं गवाहों का कथन लिया गया। उक्त प्रकरण के विवेचना से आरोपी संदीप कौशिक पिता राजेश कौशिक उम्र 22 वर्ष शाकिन कापा थाना सिटी कोतवाली कवर्धा जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ के विरुद्ध अपराध घटित करने का पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध विधिवत उचित वैधानिक कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। जैक्स न्यूज छत्तीसगढ़ से जिला रिपोर्टर तोरण कुमार छेदावी कवर्धा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़।